My greatest achievement is, I think my greatest achievement is the economic revival of Pakistan. मेरे ख्याल में मैं यही कहूँगा क्योंकि वो बेसिस था जब 99 में मैं डिस्करेज हो गया था. शुरू शुरू में मैं डिसहार्टन था क्योंकि मैंने सोचा ये मुश्किल है बचाना इसको पाकिस्तान को, क्योंकि जब मैंने देखा कि कहाँ हम हैं ये लोगों को आम पता नहीं होता है, आम आदमी को मालूम नहीं होता है. जब देख रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो 200 मिलियन डॉलर है, डेट्स इतने बढ़े हुए हैं, इतने ज्यादा हैं कि डेट सर्विस के लिए 5 अरब डॉलर हर साल देते हैं हम, कमाई उतनी होती नहीं है तो बोरो करते हैं, जाकर बोरो करते हैं तो और ज्यादा बढ़ रही है, तो इससे तो बचना ही मुश्किल है. ये कभी नहीं निकल सकते हम इससे, कैसे निकलेंगे. ऊपर से जितनी भी गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है वो 100 अरब रुपए डेली ईयरली लॉस में जा रहे हैं, 100 बिलियन रुपीज. तो मैं समझ रहा था कि ये बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये कोई अगर सोचता है कि बच सकता है, ये पॉसिबल नहीं है. ये मेरे ख्याल में हम हैं, हम वायबल ही नहीं है. तो मैं डिसहार्टन बिल्कुल मैं, और फिर मुझे इकोनॉमी की समझ भी नहीं थी फ्रेंकली, और मुझे मालूम था कि यही एक वाहिद चीज है जिससे मुल्क बचेगा. इसको ठीक करेंगे तो फिर मुल्क बचेगा और फिर ही हम एजुकेशन या कल्चर या जिस. तो मेरे ख्याल में माय अचीवमेंट वाज, अल्लाह ताला ने साथ दिया ये मैं कहूँगा, गॉड हैज बीन वेरी काइंड एंड वी मैनेज समहाउ और वी टर्न्ड इट अराउंड. अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अब मेरी बिल्कुल ऑपोजिट व्यू है. जबकि मैं पहले सोचता था कि, और अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में हर चीज है, दिमाग भी है, रिसोर्सेज भी हैं, पोटेंशियल भी है, हर चीज है. वो तो मिसमैनेज हो रहा था सब कुछ, और कुछ नहीं था, मिसमैनेज हो रहा था. जो 100 अरब रुपए हमारे घाटे में जा रहे थे वो क्या था, मिसमैनेजमेंट. ये स्टील मिल, PNSC, KESC, वापडा, हर जगह मैंने एक आदमी लगा दिया उधर, और उसको मैंने कहा कि मेरी आंखों में देखो. एंड आई रियली डिड दैट. आई सेड यू लुक इनटू माय इयर्स, आई वांट यू टू टर्न दिस अराउंड. ये स्टील मिल, नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन वगैरह जहां अरबों रुपए लॉस में थे, आदमी को मैंने कहा कैन यू डू इट, टेल मी, मेरी आंखों में देखे और मुझे बताओ कि आई विल डू इट. एंड ही सेड आई विल डू इट, ओके, आई सेड आई विल बैक यू अप, और दे डू इट. क्योंकि कोई नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं है, चीज है, बेईमानी हो रही है, चोर बदारी लगी हुई है, वो ठीक हो गया. तो आई थिंक लॉन्ग आंसर टू योर शॉर्ट क्वेश्चन, ये जो मैंने इकोनॉमी को टर्न अराउंड किया है, दैट इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग. आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जागिए नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, कैसे हो सका. करोड़ों रुपए दिए हमने, पैसे दिए हैं, कोई ऐसे तो नहीं है. ये म्यूजियम बनाया है, 4 करोड़ रुपए दिए हैं. ये चीजें कहाँ से आती. पहले तो पैसे ही नहीं था हमारे पास, कुछ भी नहीं था, खाली थे बिल्कुल. तो इकोनॉमिक रिवाइवल इज द बेसिस ऑफ नेशंस सर्वाइवल एंड मूविंग फॉरवर्ड. आई थिंक दैट इज व्हाट आई हैव डन. सो नेशन विल मूव फॉरवर्ड बिकॉज द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान विल मूव इट फॉरवर्ड. द कंप्लेंट one of 2013, it was not legally supported, it didn't have the approval of the cabinet, it didn't have any approval, it was lodged, it was instituted falsely, unlawfully, and with the malafide intention and with the vested interest, because General Pervez Musharraf was making so much progress in this country, was taking Pakistan too high, and they didn't like it. Because he will remain as an honest and sincere person and sincere leader. He loves Pakistani, he loves Pakistan.